हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सब्सक्राइबर्स के ऊपर। दोस्तों, एक चैनल में सब्सक्राइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक चैनल में सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है तो उस चैनल का इमेज अच्छा होता है एंड इसके कारण एक एवरेज कंटेंट भी अच्छा व्यूज़ गेन कर पाता है या फिर हाई रैंकिंग में रहता है। उसी तरह से अगर आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन आपके चैनल में सब्सक्राइबर्स अच्छे नहीं हैं तो आपको ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं मिलेंगे एंड आपका चैनल का जो इंप्रेशन होता है वो सही नहीं होता है। इसीलिए YouTube सक्सेस में सब्सक्राइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड सभी जो एक चैनल ओन करता है अपने चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे ट्रिक्स जो कि आप अपने चैनल में यूज़ कर सकते हो एंड जिसको यूज़ करके आप डेफिनेटली अपने चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब भी हम लोग कोई वीडियो YouTube में अपलोड करते हैं तो उसके जो व्यूज़ हैं वो बहुत सारे जगह से आ सकता है, जैसे कि YouTube होम पेज से, सजेस्टेड वीडियोस से, Google सर्च से या फिर कोई एक्सटर्नल लिंक से। मतलब अगर आपने अपने वीडियो को सपोज़ Instagram या फिर Facebook में शेयर किया है तो वहाँ से भी आपका व्यूज़ आ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपका मैक्सिमम व्यूज़ है वो आते हैं आपके सजेस्टेड व्यूज़ से। मतलब सजेस्टेड व्यूज़ वो हुआ, मतलब लेट्स से आपका कोई वीडियो चल रहा है, अगर उसके साइड में जो वीडियोस शो होते हैं तो वो होते हैं सजेस्टेड वीडियो। तो इसीलिए आप अगर अपने वीडियोस को किसी वीडियो के सजेस्टेड वीडियोस में ला पाएँ तो डेफिनेटली आपके चैनल में व्यूज़ बढ़ेंगे और उसी तरह से आपके चैनल में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। तो अभी समझते हैं यूट्यूब कैसे एक वीडियो को सजेस्टेड लिस्ट में शो करता है। यूट्यूब शो करता है यूजर हैबिट के ऊपर बेस करके। लेट्स से आपने एक अकाउंट बना के यूट्यूब में लॉगिन किया और उससे आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो तो YouTube बैकएंड में ट्रैक करता है कि आप कितना टाइम किसी पर्टिकुलर वीडियो में स्पेंड कर रहे हो, किस तरह के वीडियो आप प्रिफर कर रहे हो और किस तरह के वीडियो में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके ऊपर बेस करके आपके होम पेज में YouTube वीडियो सजेस्ट करता है। लेट्स से आपने किसी वीडियो को देखा है और उसको क्विकली आपने एक मिनट देख के दूसरे वीडियो में आप शिफ्ट हो गए, इसका मतलब है कि जो कंटेंट है वो सूटेबल नहीं है और इसीलिए वो कंटेंट जो होगा वो YouTube आपके होम पेज में प्रमोट नहीं करेगा। उसी तरह से लेट्स से आपने किसी वीडियो में बहुत टाइम स्पेंड किया है एंड सपोज उसको फर्स्ट से एंड तक देखा है, दैट मीन्स आपने उस कंटेंट को लाइक किया है एंड इसी के कारण उस कंटेंट क्रिएटर का जो भी वीडियोस होंगे वो आपके होम पेज में यूट्यूब प्रमोट करेगा। उसके बाद सजेस्टेड लिस्ट में आने का दूसरा फैक्टर है कि मोस्ट लाइकली आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। लेट्स से आपने घर में एक मॉडेम खरीदा है तो सबसे पहले आप जानना चाहोगे कि उस मॉडेम को किस तरह से आप मतलब फिटिंग कराए, किस तरह का आपका वायर कनेक्शन होगा, ये सब आप देखना चाहोगे। तो इसीलिए आपने अगर एक वीडियो बनाया है जिसमें आपने दिखाया है कि उस मॉडेम को किस तरह से आप बोर्ड के साथ या फिर किस तरह से आप उसको जो केबल मॉडेम होगा उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, तो ये वीडियो अगर यूज़र देख लेता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में यूज़र देखना चाहेगा वो होगा किस तरह से आप उसको कंप्यूटर में या फिर सॉफ्टवेयर पार्ट में आप किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करते हो। तो अगर आपने कोई दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट किस तरह से आप कॉन्फ़िगर करते हो वो दिखाया है तो सजेस्टेड वीडियो में यूट्यूब उसी वीडियो को शो करेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स का या फिर बहुत सारे लोगों का ये गलतफहमी है कि यूट्यूब जो है सजेस्टेड वीडियो में जो रिलेटेड वीडियो शो करता है, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब जो सजेस्टेड वीडियो में शो करता है वो होता है कि मोस्ट लाइकली वीडियो जो कि आपका जो यूज़र है या जो कि व्यूअर है वो देखना चाहेगा, मतलब एक वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो वो देखना चाहेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियोज़ को आप सजेस्टेड वीडियोज़ में लिस्ट करें तो आप जो वीडियोज़ हैं वो एपिसोड की तरह बनाएं। अगर आपने सपोज़ फोटोशॉप या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में आपने ट्यूटोरियल वीडियोस बनाया हुआ है तो प्रिफरेबली आप उसको एपिसोड 1 या फिर सीरीज 1 सीरीज 2 करके नेमिंग करें ताकि लोगों को पता लगे कि आपने अगर सीरीज 1 बनाया है तो उसके बाद सीरीज 2 भी है, सीरीज 3 भी है। इसीलिए यूट्यूब जो है वो सजेस्टेड वीडियोज़ के लिस्ट में उसका नेक्स्ट वीडियो या फिर जो रिलेटेड वीडियोज़ है वो शो करेगा। और इसी तरह से जो यूज़र्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो ज़्यादा टाइम आपके वीडियोज़ में स्पेंड करेंगे और वो आपको अल्टीमेटली आपके सब्सक्राइबर गेन करने में हेल्प करें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रीक्वेंसी ऑफ अपलोड। हम जब किसी चैनल में वीडियोज़ देखते हैं तो यूट्यूब उसी चैनल के वीडियोज़ जो हैं वो हमारे होम पेज में शो करता है या फिर सजेस्ट करता है। तो इसीलिए अगर आप अपना अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली जो आपके वीडियोज़ होंगे वो सजेस्टेड पेज में ज़्यादा रहेगा और लोग आज नहीं तो कल उसको क्लिक करके आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपके चैनल में अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी कम है, लेट्स से एक वीडियो आप मंडे कर रहे हो या दूसरा वीडियो आपको सैटरडे कर रहे हो, तो उस बीच में जो व्यूअर है वो दूसरे चैनल्स भी देखने लग जाएगा जिसके कारण आपका जो सजेस्टेड वीडियो है उसके होम पेज में नीचे चला जाएगा एंड आपके चैनल में देखने का या फिर आपके चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रोबेबिलिटी घट जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए आपको जो है अपलोड फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा इंक्रीज करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है कॉल टू एक्शन। आप अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स को आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें एंड सजेस्ट करें।
प्रिफरेबली उसको आप वीडियो के पहले या फिर वीडियो के एंड पर रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप सिंगल इंस्ट्रक्शन दें ना कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मतलब एक ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने व्यूवर्स को आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। सिंगल इंस्ट्रक्शन से व्यूवर्स के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एंड इसीलिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है फेसबुक ग्रुप्स, जो कि आपको फ्री में सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि आपके वीडियो कंटेंट के साथ रिलेटेड हैं। मतलब अगर आप टेक्निकल वीडियोस बना रहे हो तो आपको प्रेफरेबली टेक्निकल ग्रुप्स को ही आपको सर्च करना होगा और उसी में आपको वीडियोस को शेयर करना होगा। उसी तरह से आप अगर मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो तो प्रेफरेबली आपको मोटिवेशनल वीडियोस में ही आपके वीडियोस को शेयर करना होगा। इससे क्या होता है कि आपको इनिशियल कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे और कुछ सब्सक्राइबर बूस्ट मिल जाता है वहां से। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलेटेड चैनल्स। रिलेटेड चैनल्स को बहुत सारे यूट्यूबर्स नेगलेक्ट करते हैं, बट रिलेटेड चैनल्स आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब अपने चैनल को देखोगे तो आपको राइट हैंड साइड में कुछ रिलेटेड चैनल्स दिखाई देंगे एंड ये पाया गया है कि आप जब भी चैनल देखते हो कि रिलेटेड चैनल में आप जनरली सब्सक्राइब कर लेते हो। तो इसीलिए आप अगर इस ऑप्शन को ऑन करके रखोगे तो जिस तरह से दूसरे चैनल्स आपके होम पेज में शो हो रहे हैं उसी तरह से आपका चैनल भी किसी दूसरे यूट्यूबर के चैनल में होम पेज में शो होगा और इस तरह से आप भी उनके जो सब्सक्राइबर्स है या फिर उनके जो व्यूवर्स है उसको आपके सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के ऊपर ये 5 ट्रिक्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को क्लिक करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने चैनल में क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।